मैं विवेक आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल टेक विंड्रॉइड पे। गूगल तो आप सभी यूज कर लोगे, पर आप सभी ने ये सोचा है गूगल काम कैसे करता है? तो आप ये वीडियो देखते रहिए और आज इस टॉपिक को मैं कवर करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहले के जमाने में क्या होता था, जब कोई दो लोग सर्च लगाते थे तब आंसर कंफर्म करने के लिए तीसरे व्यक्ति के पास आना पड़ता था। अब क्या हो रहा है, जैसे कि मैंने किसी के साथ बेट लगा दी कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट है 16, अब मेरा फ्रेंड बोल रहा है नहीं भाई 14 है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली गूगल ओपन करेंगे, गूगल पे लिख देंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन। अब ये तो मैंने लिख दिया और आंसर भी आ गया 16। अब आपने कभी ये सोचा है 16 कहाँ से आया और गूगल ने वो सर्च कहाँ से किया? तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले सर्च इंजन में मैंने लिख दिया, सर्च बार में मैंने लिख दिया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन। अब गूगल क्या करेगा, इन तीनों वर्ड को मॉलिक्यूलर वेट एंड ऑक्सीजन डिवाइड कर देगा और पूरे इंटरनेट पे क्राउलिंग करेगा। क्राउलिंग मतलब क्या, विजिटिंग, सर्चिंग, फेचिंग करेगा। अब क्राउलिंग कैसे होता है, स्पाइडर वेब टूल से, स्पाइडर वेब सॉफ्टवेयर है जिससे क्राउलिंग होता है, क्राउल करेगा कि इंटरनेट पे जितने भी वेबसाइट है ऑक्सीजन के रिलेटेड या ऑक्सीजन के डिस्क्रिप्शन के रिलेटेड या ऑक्सीजन क्या है, कैसे बनता है उसके रिलेटेड, ऑक्सीजन के रिलेटेड उसने सब रिसर्च कर ली और वो एक इंडेक्स तैयार करेगा और वो उधर वो इंडेक्स में वो सर्च करेगा कि मैंने जो तीन वर्ड डाले थे ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर एंड वेट, वो तीन है, अगर वो तीन है तो वो रैंकिंग वन देगा या फिर वो रैंकिंग वन देगा या मोस्ट विजिटेड साइट बताएगा। अगर मॉलिक्यूलर और वेट एक में है वो सेकंड पे देगा और ऑक्सीजन और मॉलिक्यूलर एक में है तो थर्ड प्लेस देगा, वैसे कोई इंडेक्स लिस्ट तैयार करेगा। अब गूगल ये बताएगा आपको सर्च लिस्ट में जो मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट विजिटेड एंड मोस्ट रैंक प्लेस बता देगा आपको एंड आपके आउटपुट पे वो बताएगा जो मोस्ट रैंकिंग है एंड जिसमें ये तीनों चीजें कवर हो रही है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन। उम्मीद है दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।